अस्सलाम वालेकुम। हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग? आज मैं आपको एक बात बताऊं। आज बाहर बारिश हो रही है, इतनी तेज़ नहीं लेकिन हल्की हल्की हो रही है। तो मेरा दिल कर रहा था कि मैं चाट खाऊं, लेकिन हमारे घर में ना उबली चीज़ें जो मैं बॉईल करके रखती हूँ ना, स्टॉक वो ख़त्म हुआ हुआ था। मैंने क्या किया, 3 पोटैटो लिए हैं, जल्दी से इनको बॉल में ही, इस बॉल में ही मैंने बॉईल कर लिया है, ये देखें। फिर क्या किया है? ये 2-3 आलू हैं दरमियाने, फिर एक टमाटर लिया है उसको काट दिया है, एक दरमियाना छोटा, दरमियाने से भी छोटा प्याज लिया उसको बारीक बारीक चॉप कर लिया, एक सब्ज़ मिर्च लिया उसको बारीक बारीक चॉप किया है। भाई गार्डन से अपने से ये प्याज और ये धनिया और वो थोड़ा है, हाफ टी स्पून मैंने वो रेड चिली ली है, हाँ फुल टी स्पून मैंने सॉल्ट लिया है, इसे भी अब कम करना हुआ तो कर लेंगे। ये दही लिया, दही मैंने देखा है तो ये खट्टा है, और इसका ऑप्शन लिया जब दही खट्टा आपने रायता बनाना हो तो आप तो उसमें थोड़ा सा दूध ऐड कर लें। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि जब भी आप लोग ग्रॉसरी करें, चने इस तरह की चीज़ें ला के बॉयल करके ना उसके पैकेट बना दिया करें, एक एक कटोरी, ये इतनी इतनी कटोरी तो रख दिया करें। कुछ भी ना ना अपना मटर वाले चावल बना लेता है, चने वाले चावल बना लेता है, चाट बना लेता है। तो ये ना चाट मसाला, ये मैं इसमें ला कर डाल के रख देती हूँ। तो मेरा दिल कर रहा था, कुछ नहीं, अगर आप इसको ये आलू कम करें तो ये रायता भी बहुत मज़े का बन जाता है। रायता भी ऑलमोस्ट मैं ऐसे ही बनाती हूँ। तो चलें अब मेरे साथ आप भी करें जो आपका दिल कर रहा है खाने को। ये सिंपल दही भल्ले हैं जो कि मुझे बड़े पसंद हैं। कोई मेरे जैसा भी होगा जिसको दही भल्ले पसंद है, वो कुछ नहीं तो आलू उबाले, दही निकाला, टमाटर प्याज तो घर में होते ही हैं, तो बना लें। चले हम स्टार्ट करते हैं, चले अब हम स्टार्ट करते हैं। कोई चीज़ ना ना मिले चाट खाने को, आलू घर में होते हैं, टमाटर घर में होते हैं, मिर्चें घर में होती हैं, दही तो तकरीबन होता ही है। तो अब मैं क्या करूँ, देखो इसका भी एक अपना ही मज़ा आने वाला है, या तो पकौड़े बंदा बना ले तो, या तो ये दही वाली, इसको दही वाली चाट कहते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये देखें ये आलू साइड पे करते हैं, ये मैंने लिया है बोल, इसमें ही मैंने आलू बॉईल किए हैं। अब मैं डालूंगी इसमें ये वाला दही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लाजमी पढ़ा करें, यकीन करें कि एक दफ़ा पढ़ने से इसका मतलब है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। तो मैं यकीन करें फजर की नमाज में मैं 313 दफ़ा पढ़ती हूँ, मुझे किसी ने कहा हुआ था कि इससे बहुत बरकत है 313 दफ़ा बिस्मिल्लाह पढ़। जब आप एक दफ़ा पढ़ते हैं तो उसका मतलब है कि शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तो 313 दफ़ा पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला खुश नहीं होंगे? तो इसलिए मैं आप साहब से कहती हूँ कि आप इंशाल्लाह फजर की नमाज के बाद 313 दफ़ा बिस्मिल्लाह पढ़ें, इंशाल्लाह आपके काम में, आपके रिज़्क में, आपके घर में, आपके कोई शॉप है उधर, हर जगह इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात आपके कारोबार में बरकत डाले। ये देखें दही खट्टा था, तो अब मैं इसके अब दूध डालती हूँ। रायता भी अगर आपने बनाना हो, दही खट्टा हो ना, तो आप जो है ना वो कर लिया करें, दूध डाल लिया करें, तो दूध का खट्टापन जो है ना, दही का खट्टापन कम हो जाता। इस तरह हम इधर अलहदे बना लेंगे सारा कुछ। तो मुझे ना इंशाल्लाह मैं चटनियाँ भी बनानी सिखाऊंगी, मुझे वो खट्टी चाट आती है, दही भल्ले आते हैं, बड़ा कुछ मैं इंशाल्लाह आपको सिखाऊंगी। अभी तो स्टार्ट हुआ है और आप मेरे साथ रहिएगा। अब मैं इसके अंदर ये देखें ये चिली थी, ये डाल दूंगी क्योंकि मैं थोड़ा स्पाइसी खाती हूँ। अगर आप लोग कम खाते हैं तो ये स्पाइसेस, चाहे हांडी है चाहे कोई भी चीज़ है, जिसमें मैं 1 टीस्पून रखा हुआ है मैक्सिमम, क्योंकि कोई कम खाता है कोई ज़्यादा खाता है, तो 1 टीस्पून जो है ना वो ज़्यादा नहीं है। तो आप जो है ना ये स्पाइसेस वगैरह अपनी तबीयत के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये चाट मसाला है 1 टीस्पून। अब इसके अंदर है ये एक टमाटर है बारीक बारीक चॉप किया हुआ,
ये एक प्याज है बारीक बारीक चॉप का, ये सब्ज मिर्च है चॉप की हुई, ये थोड़ा सा धनिया सबसे आने ये डालेंगे, फिर हम ये डालेंगे, फिर हम ये सब्ज मिर्च डाल देंगे। सब्ज मिर्च के साथ अलावा मुझे मजा है, ये आप धनिया भी डाल देंगे। तो देखना घर में बैठ के तो ऐसे मौसम में चस्का भी लग जाएगा, पकौड़े खाने हैं तो पकौड़े। मैं आप मेरे साथ फ्रेंडली रहें, आप मेरे से हर बात शेयर करें, जो आपको जौन सी डिश पसंद है आप मुझे कहें, आप कमेंट में बता दें कि मुझे पसंद है। अगर आप ये बना सकती हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह, मैं नहीं भी बना सकती आप मुझे भेजोगे तो मैं बना लूँगी, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं हर चीज़ बना लेती हूँ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये जो है ना ये मिक्सचर रेडी हो गया है, अब मैं ये ना आलूओं के अंदर डाल दूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये बीटल्स है ना वो फुटकनी वगैरह ख़त्म हो गई हैं। अब मैं इसमें थोड़ा सा दूध डाल के ये भी उतार लूँगी, यानी कि आप ये नहीं कि ज़रूरी नहीं कि बर्तन ही प्यारे हों तो आप खाना बना सकते हैं, लज़्ज़त आपके हाथ में है। ये इसको आप एज रायता भी ले सकते हैं, ये देखें ये हो गया। अब हम इसके अंदर है एक मिनट, ये थोड़ा सा पुदीना, एक मिनट बाद लीजिए जी, बहुत मज़े की दही भल्ले की चाट तैयार हो गई है। अब मैं खाऊंगी, मेरे साथ रहिएगा इंशाल्लाह, दुआ में याद रखिएगा, अपना खास ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।